Hello. So in this video, we will learn about digester algorithm. So what exactly is digester algorithm? So digester algorithm basically is an algorithm which is used, given a graph which is maybe directed or undirected, right? It can have cycles. It should not have negative weights. That's it. So edges hai, har edge ka kuch na kuch weight hai. So agar aisa hi graph hamare paas hai, to we can use digester algorithm to find out the shortest distance between any two nodes. Let's say the graph I have is something like this. So mujhe 0 se 4 tak ka shortest distance nikalna hai agar, to digester algorithm hame wo shortest distance basically la ke dene wala hai. So shortest distance chahiye. Ek aur variation digester algorithm ka that we can use is ki hum 0 से सारे नोड्स का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो अगर मैं 0 से सारे 1, 2, 3, 4 बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लूँगी, तो ऑब्वियसली 0 से 4 का भी निकाल ले लूँगी. तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं, गिवन अ सोर्स, गिवन द स्टार्ट, हम उस नोड से, उस वर्टेक्स से बाकी वर्टिसेस तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं ऑब्वियसली बाय डिजेस्ट्रा. ठीक है. सो इनिशियली what we'll do is हर नोड को हमारा टारगेट है विजिट करते जाएंगे. जैसे जैसे किसी नोड को हम विजिट कर चुके होंगे तो हम उस नोड का डिस्टेंस निकाल चुके होंगे. सो हमारा टारगेट ये है, इनिशियली हर नोड का कुछ ना कुछ डिस्टेंस वैल्यू रखने वाले हैं. सो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू दैट नोड, हम हर वर्टेक्स और उसकी डिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं. लेट से I have vertex and its distance value. So अभी के लिए 0 की distance खुद से, I am assuming 0 is my source, so इससे काम start करेंगे. 0 का distance खुद से 0 mark कर रहे हैं. ठीक है. So 0 का distance हमने 0 mark करा है, बाकी सबका infinite. तो अब हम सारे vertices unvisited vertex पे focus करेंगे. 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे अनविजिटेड वर्टिसेस हैं. इन सब में से आई पिक अ वर्टेक्स विद मिनिमम डिस्टेंस. सो 0 हमारा सोर्स है, तो हम मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स पिक करेंगे. मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स इज 0, बाकी सब तो इन्फिनिटी है. तो 0 को हम विजिटेड मार्क कर देंगे. तो 0 विजिट कर चुके हैं यहाँ पर. तो अगर 0 को विजिट कर चुके हैं तो नेक्स्ट टारगेट है कि 0 के जो नेबर्स हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, उन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं, मतलब उन तक का पाथ निकालते हैं. तो 0 के नेबर्स क्या क्या है, 1 और 2. तो 0 के नेबर्स 1 और 2, इन्हें एक्सप्लोर करते हैं. अगर हम 0 के थ्रू 1 तक पहुँचे तो जो पाथ है उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है. 0 से 0 तक की पाथ 0 है, 0 से 1 जो एज है उसकी पाथ 4 है. तो 0 से 1 पहुँचने की टोटल कॉस्ट 4 होने वाली है. और 2 के लिए भी सेम काम, 0 से 2 पहले इन्फिनिटी है कॉस्ट, कॉस्ट इज डिस्टेंस. अगर 2 तक रीच करना है तो पहले इन्फिनिटी है डिस्टेंस. अगर हम 0 के थ्रू पहुंचेंगे तो 0 से 2 तक की एज का वेट इज 8, तो हम 8 यूनिट्स में 2 तक रीच कर सकते हैं. सो दैट मीन्स हमने 0 के नेबर्स को एक्सप्लोर करा, और उनके डिस्टेंस अगर अपडेट होते हैं तो अपडेट करें. इस केस में अपडेट होते थे, हमने अपडेट कर दिए. तो 0 विजिट हो चुका है, 1, 2, 3, 4 अनविजिटेड है. अब हम सेम काम दोबारा करेंगे. सारे अनविजिटेड वर्टिसेस में से आई विल पिक द वर्टेक्स विद मिनिमम डिस्टेंस. सो सोर्स से जिसका डिस्टेंस मिनिमम है, इस केस में दैट वर्टेक्स इज 1. सो आई विल पिक 1. सो अब हम 1 पे फोकस करेंगे और 1 को विजिटेड मार्क कर देंगे. तो 1 विजिट हो गया है, 2, 3, 4 ये अभी विजिट नहीं हुए हैं. तो हम 1 के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे. 1 के नेबर कौन कौन से हैं, 0, 2 एंड 3 ये नेबर्स हैं. इसमें से 0 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि 0 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो 0 की बात नहीं करेंगे. 2 और 3 पे फोकस करेंगे. सेम प्रोसेस 2 और 3 का, उन्हें एक्सप्लोर करना. उन्हें एक्सप्लोर करना मतलब ये सोचना कि अगर हमें 2 पे 1 तक पहुँचूँ तो जो पाथ है उसकी कॉस्ट क्या होगी. सो पाथ कॉस्ट वाया 1, इफ़ आई रीच टू 2 वाया 1 व्हाट विल बी द कॉस्ट. डिस्टेंस टिल 1, सोर्स से 1 तक का डिस्टेंस, सो हमने स्टोर कर रखा है जो कि 4 है, प्लस जो 1 से 2 की एज है, इस एज का वेट. सो 1 तक का डिस्टेंस इज 4. रूट से 1 तक मैं 4 यूनिट्स में पहुंच सकती हूँ. 1 से 2 जो एज है उसकी, उसका कॉस्ट इज 2. तो दैट मीन्स मैं 6 यूनिट्स में 2 तक पहुंच सकती हूँ वाया 1. हमारे पास पहले 2 का डिस्टेंस क्या है, 8.
बट वन से पहुंचने का डिस्टेंस इज 6, सो वन इज़ अ बेटर ऑप्शन, द पाथ वाया वन इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो हम इसे 6 कर देंगे, अपडेट कर देंगे. सो हमने वन के नेबर का पाथ एक्सप्लोर कर दिया, अपडेट कर दिया. सेम 3 के लिए, अगर मुझे वन के थ्रू 3 तक पहुंचना है, तो अगर वन के थ्रू 3 तक पहुंचना है तो वन तक पहुंचने का कॉस्ट इज़ 4, वन से 3 पहुंचने का कॉस्ट इज़ 5, टोटल कॉस्ट विल बी 9, तो मैं 9 यूनिट्स में यहाँ तक पहुँच सकती हूँ. पहले पाथ, पहले डिस्टेंस क्या है 3 का? इन्फानाइट. 9 इज़ ऑब्वियसली बेटर देन इन्फानाइट, तो हम 9 का डिस्टेंस और 3 का डिस्टेंस अपडेट कर देंगे 9 से. तो हमने इतना काम कर दिया और हमने 1 को एक विजिटेड मार्क कर दिया, तो 0 और 1 दो विजिट हो चुके हैं. नेक्स्ट काम क्या करना है? अनविजिटेड वर्टिसेस में से मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स पिक करना है. सो 6, 9 और 4 में से मिनिमम, सॉरी 2, 9 और 2, 3 और 4 में से मिनिमम डिस्टेंस 2 का है 6, तो हम 2 को पिक करेंगे और 2 को विजिटेड मार्क कर देंगे. सो 2 विजिट हो चुका है. 2 के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे. 2 के नेबर्स 0, 1, 3, 4 है. सिर्फ अनविजिटेड नेबर्स पे फोकस करेंगे, दैट मीन्स 3 और 4. अगर हम 2 के थ्रू 3 तक पहुँचते हैं, तो 2 के थ्रू अगर 3 तक पहुँचते हैं, तो 2 तक पहुँचने का कॉस्ट इज 6, 2 से 3 पहुँचने का कॉस्ट इज 5, तो 2 के थ्रू 3 तक पहुँचने का कॉस्ट विल बी 11. 3 का ऑलरेडी कॉस्ट क्या है? 9. मतलब ऑलरेडी मैं 9 यूनिट्स में 3 तक पहुँच पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली 11 वाला पाथ से अपडेट नहीं करेंगे. सो दैट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू 3 विल स्टे एज 9, हम अपडेट नहीं करेंगे. सेम काम 4 के लिए. अगर हम 2 के थ्रू 4 तक पहुँचते हैं, तो 2 तक पहुँचने का कॉस्ट इज 6, 2 से 4 तक जाने का कॉस्ट इज 9. तो अगर हम 2 से 4 तक जाते हैं, तो मैं 15 यूनिट्स में 4 तक रीच कर जाऊंगी. पहले का 4 का डिस्टेंस इज इन्फानाइट, 15 इज ऑब्वियसली बेटर देन इन्फानाइट, आई विल अपडेट इट विद 15. सो हमने ये काम कर दिया. अब जो अनविजिटेड वर्टिसेस हैं 3 और 4, उसमें से जो मिनिमम है वो निकालेंगे. सो मिनिमम इज 3, तो 0, 1, 2, 3. 3 को विजिटेड मार्क कर देंगे, 3 विजिट हो चुका है, राइट. 3 के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे, अनविजिटेड नेबर्स को, तो 3 के अनविजिटेड नेबर एक ही है बस, एंड दैट इज 4. तो अब हम ट्राई करेंगे कि अगर हम 3 के थ्रू 4 तक रीच करते हैं, तो उस पाथ की कॉस्ट क्या होती है, 3 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है? 9. मैं 9 यूनिट्स में 3 तक पहुंच सकती हूँ. 3 से 4 वाली एज की कॉस्ट 4, तो 3 से 4 टोटल जाने की कॉस्ट विल बी 9 + 4, एंड दैट इज 13. दैट मीन्स अगर मैं वाया 3 जाऊँ, तो मैं 13 यूनिट्स में 4 तक रीच कर सकती हूँ. पहले हम 15 में पहुँच रहे हैं, 13 इज़ ऑब्वियसली बेटर देन 15, सो हमें अपडेट कर देना चाहिए, एंड दैट्स इट 4 तक, एंड वी आर डन. सो दैट्स इट, वी आर डन. हमारे पास हर वर्टिक्स के लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग पाथ, कॉरस्पॉन्डिंग बेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस आई शुड से, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स आ चुका है. तो हम यही करेंगे डिजेस्ट्रा में. करंट वर्टेक्स पिक करा, जो भी मिनिमम है आउट ऑफ ऑल, उसके नेबर्स एक्सप्लोर करें. नेबर्स एक्सप्लोर करने का मतलब उस वर्टेक्स के थ्रू नेबर तक पहुंचने का जो पाथ है उसकी कॉस्ट निकाली. अगर एग्जिस्टिंग कॉस्ट से वो कॉस्ट कम है, बेटर है, तो हमने नेबर की कॉस्ट को, डिस्टेंस को अपडेट कर दिया, अदरवाइज हमने उसको नहीं चेंज करा और आगे बढ़ गए, नेक्स्ट नेबर पर मूव कर गए. सो हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है. सो ये रखने के लिए हमें चाहिए क्या क्या? लेट्स जस्ट थिंक कि अगर हमें एल्गोरिथम खुद से कोड करना है, तो कोड करना है तो हम क्या कर रहे होंगे. मुझे लगता है मुझे ये चाहिए, जो करंट एलिमेंट है वो विजिट हुआ है या नहीं, ठीक है. ये लेबल रखना होगा किसी तरह से, हर वर्टेक्स के लिए उसकी डिस्टेंस वैल्यू क्या है, हर वर्टेक्स की डिस्टेंस वैल्यू रखनी होगी. तो ये दो चीज़ें हमें रखनी होंगी. सो एक काम करते हैं, फटाफट से इसके इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक पे सोचते हैं. तो ऑब्वियसली मुझे विजिट हुआ है या नहीं हुआ है करंट, राइट. तो मुझे विजिटेड का ट्रैक रखना होगा. जस्ट क्लियर दिस. सो करंट वर्टेक्स विजिट हुआ है या नहीं, वो मुझे विजिटेड का ट्रैक करना होगा. तो हम एक एरे रख सकते हैं विच इज़ बूलियन, दैट विल कीप अ ट्रैक कि करंट एलिमेंट विजिट हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है. सो अगर n वर्टिसेस हैं, तो 0 से n माइनस 1 तक ही लेबल्स होंगे. सो दैट मीन्स वर्टेक्स 0 विजिट हुआ है या नहीं, वो इंडेक्स 0 पे पड़ा होगा. वर्टेक्स 1 विजिट हुआ है या नहीं, वो इंडेक्स 1 पे पड़ा होगा. ट्रू तो विजिट हो चुका है, फॉल्स तो विजिट नहीं हुआ. सो ये ट्रैक हम एक बूलियन एरे से रख रहे होंगे, एंड ऑब्वियसली आई नीड एन एरे टू स्टोर द डिस्टेंसेस. तो डिस्टेंसेस स्टोर करने के लिए भी ऐसा ही एरे.
सोर्स आई एम अज्यूमिंग जीरोथ वर्टेक्स इज माई सोर्स. सो हम फिक्स करें कि वर्टेक्स जीरो इज़ आर सोर्स, मुझे जीरो से बाकी वर्टिसेस तक का मिनिमम पाथ मिनिमम कॉस्ट निकालना है. सो हमें ये काम करना है. हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इफ़ आई गो बैक टू दिस, तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार आउट ऑफ ऑल अनविजिटेड वर्टिसेस एक वर्टेक्स निकाल रहे हैं. तो अगर टोटल एन वर्टिसेस है तो हम ये काम, पांच वर्टिसेस है तो हर बार एक वर्टेक्स पिक करना, राइट. एक वर्टेक्स पिक करो, उसको विजिटेड मार्क करो, ये काम करना हम, राइट. एन टाइम्स और एन माइनस वन टाइम्स, कितनी भी बार करोगे इट विल वर्क. सो दोनों में से इट विल वर्क. सो हम उतनी बारी काम कर रहे हैं. दैट मीन्स इफ़ आई गो फॉरवर्ड तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें हर वर्टेक्स के लिए, सो फॉर एवरी वर्टेक्स वी इन द वर्टेक्स सेट, टोटल वर्टेक्स और आई शुड से यू इन द टोटल वर्टेक्स सेट, टोटल जितने भी वर्टिसेस हैं, मुझे हर वर्टेक्स के लिए या हर बारी ये काम करना है, मुझे मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स चाहिए. मिनिमम डिस्टेंस वर्टेक्स फाइंड आउट करना होगा. लेट्स से द मिनिमम डिस्टेंस वर्टेक्स, आई शुड राइट इट दिस टाइम, मुझे ये जो काम करना है ये टोटल वी टाइम्स करना है. टोटल वी वर्टिसेस है, हर बार हम क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स निकालेंगे. लेट्स से मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स यू है. इस यू के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे. फॉर एवरी नेबर ऑफ यू, हर नेबर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस. लेट्स से वो डिस्टेंस कैसे आएगा, यू का डिस्टेंस प्लस यू और एडजेसेंट बोल रही हूँ जो नेबर है उसको, और आई शुड राइट नेबर. यू और नेबर के बीच में जो एज है उस एज का वेट, सो जो भी उस एज का वेट होगा वो एज का वेट ये मुझे डिस्टेंस बताएगा. नेबर का ऑलरेडी कोई डिस्टेंस होगा, अगर जो करंट डिस्टेंस आया है, लेट्स से सी डिस्टेंस लिख रही हूँ, जो करंट डिस्टेंस आया है ये करंट डिस्टेंस बेटर है, कम है एग्जिस्टिंग डिस्टेंस से, तो हमें अपडेट कर देना चाहिए. अगर कम है तो अपडेट कर दो, और ये काम हर वर्टेक्स के लिए करो. दैट्स इट. एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए इज, जैसे ही हमने मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स निकाला हमें उसे विजिटेड मार्क कर देना चाहिए कि हम उसे विजिट कर चुके हैं. तो उसको विजिट कर दो, हम उसे विजिट कर चुके हैं, और उसके नेबर्स निकालो, उसके हर एक एक नेबर पे जाओ, यू के थ्रू उस नेबर का डिस्टेंस निकालो. अगर यू के थ्रू उस नेबर तक पहुंचने का डिस्टेंस कम है एग्जिस्टिंग डिस्टेंस से तो वो डिस्टेंस अपडेट कर दो और आगे बढ़ते जाओ. और ये काम हम हर बारी हर वर्टेक्स के लिए कर रहे होंगे. सो वी वर्टिसेस हैं तो हम वी टाइम्स और वी माइनस वन टाइम्स बेसिकली वील डू दिस प्रोसेस एंड वी आर डन. ठीक है, सो आई होप क्लियर है लॉजिक, आई होप क्लियर है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, डाइजेस्ट्रा कैसे वर्क कर रहा है, लॉजिक अराउंड इट, हाउ आर वी वर्किंग, मार्किंग विजिटेड, मार्किंग अनविजिटेड, राइट, एंड कैलकुलेटिंग डिस्टेंस. दिस होल स्टोरी इज क्लियर, एंड इफ दिस इज क्लियर नाउ आई थिंक यू आर गुड टू गो एंड इम्प्लीमेंट इट योर सेल्फ. थैंक यू.